पंजाब से सटे पाकिस्तान के बॉर्डर पर ISI की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि सूत्रों के अनुसार पाक रेजेंस और ISI की मदद से सीमा के नज़दीक कई जगहों पर भारत में ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए स्मगलरों और आतंकियों को ड्रोन्स मुहैया कराए गए हैं। ISI अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पंजाब बॉर्डर के उस पर स्मगलरों और आतंकियों की मदद कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर और अमृतसर के बीच कई पाक ड्रोन एक्टिविटी की मिली है। यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ सुरक्षा एजेंसियों को चमका देने वाले डमी ड्रोन्स का सहारा भी लिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले 9 मई पाक बॉर्डर पर तैनात एक ड्रोन को मार गिराया था, जिससे करीब 10 किलो ड्रग्स को बरामद की गई थी। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास BSF बॉर्डर सुरक्षा फोर्स ने एक ड्रोन को मार गिराया था। इसके साथ पीले रंग के 9 पैकेट जब्त किए गए, जिसमें ड्रग्स भरा हुआ था। इसका वजन 10 किलोग्राम बताया गया था। इस घटना के बाद से जवान अलर्ट हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब से पाकिस्तान को 553 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां कटीले तार बिछाए गए हैं। इस सीमा पर BSF की कड़ी निगरानी रहती है। ड्रग नेटवर्क भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के रूट पर ऑपरेट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।